आज हम यूकेजी फर्स्ट हिंदी के लिए पढ़ेंगे अमात्रिक शब्द, ऐसे शब्द जिनमें मात्रा का प्रयोग नहीं होता। मात्रा का प्रयोग मीन्स जैसे कि यहाँ ये मटर लिखा हुआ है तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। मात्राएं कौन थी जो हमने स्वर में पढ़ी थी, ए आ ई बड़ी, ये सब मात्राएं थी हमारी। जो स्वर थे वो व्यंजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मात्राएं बनाते हैं। तो वो इन शब्दों में यूज नहीं करेंगे हम। तो ऐसे कौन से शब्द पढ़ेंगे हम, एक तो दो वर्णों वाले और एक तीन वर्णों वाले। तो यहां हम पहले पढ़ रहे हैं ये दो वर्णों के शब्द हैं और ये वाले हैं वो तीन वर्णों से मिलकर बने हैं। तो दो वर्णों से मिलकर बने शब्दों में देखो पहले हम पढ़ रहे हैं न और ल, न प्लस ल, न ल। हम देखेंगे ज प्लस ग, जग। थर्ड हमारा है ट प्लस ब, टब। फिर हम देख रहे हैं फ प्लस ल, फल। फिर प प्लस ट, पट। तो ये हमने देखे वो क्या है, दो वर्णों से मिलकर बने शब्द और इनमें कोई भी मात्रा का यूज हमने नहीं किया। तो ये हमारे अमात्रिक शब्द हुए दो वर्णों से मिलकर बनने वाले। अब हम पढ़ेंगे तीन वर्णों से मिलकर बने शब्द, म ट र। तीनों शब्दों को जोड़ो, तीनों वर्णों को, म प्लस ट प्लस र, मटर। फिर हम पढ़ेंगे क प्लस म प्लस ल, कमल। फिर र प्लस ब प्लस ड, रबड़। फिर ब प्लस त प्लस ख, बतख। न प्लस म प्लस क, नमक। तो ये हमारे तीन वर्णों से मिलकर बने अमात्रिक शब्द जिनमें हमें इनमें भी मात्राओं का यूज नहीं लिया। आज का हमारा होमवर्क रहेगा वो दो वर्णों में तो है र प्लस थ, घ प्लस र, ह प्लस ल, इनको आपको शब्द बना के लिखने हैं। और तीन वर्णों का है वो क प्लस न प्लस क, इससे भी आपको शब्द बनाने, और बाकी के जो दो हैं उनसे भी आपको शब्द बनाने हैं। थैंक यू।